गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब एग्जैक्टली नाम से ही क्लियर हो रहा है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया होगा। माइक्रोस्कोप यानी छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम लोग इसको बनाना चाहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, और सिंपल माइक्रोस्कोप को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ तो यहाँ एक लेंस लगाया था और हमने अपने ऑब्जेक्ट को इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं प्लेस किया था, जिसका इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हो रहा था। यहाँ तो इन्फिनिटी पे चलाया जाता है तो होगा नहीं, या ये डाइवर्ज हो जाती, तो हमने इनको वापस लिया था और वापस लेकर के डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हम लोगों ने ये यहाँ पे फाइनल इमेज इसका बना दिया था। और यही हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को लेकर के 10 बीटा और 10 अल्फा का कॉन्सेप्ट लिया था, और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर यानी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो निकाला था वो हमने निकाला था m इक्वल्स टू 1 प्लस कैपिटल D बाई F। याद आ गया होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि ये फॉर्मूला हमें बार बार यूज करना होगा, डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब डिस्टेंस जो मैग्नीफिकेशन है जिसको हम लोग एच आई ओवर एच ओ कहते हैं, इसको भी हम लोग एम से डिनोट करते हैं और इसको भी एम से डिनोट करते हैं, तो अगेन आपको इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। ये चीज बिल्कुल फर्क है और ये चीज बिल्कुल फर्क है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो यहाँ जो मैग्नीफाइंग पावर है या एंगुलर मैग्नीफिकेशन है किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो आता है 1 प्लस डी ओवर एफ। अब नो डाउट अगर मैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन को बढ़ाना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को एफ को कम करना होगा, क्योंकि वन में मैं कोई चेंज कर नहीं सकता, डी मेरा 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है। एफ को अगर मैं कम करूंगा इसका मतलब लेंस को मेरे को मोटा लेना होगा, चलो जी और बढ़ाना है तो और मोटा लेना होगा। जब मैं लेंस को मोटा करता चला जाऊंगा, थिक करता चला जाऊंगा, तो नो डाउट ये जो है कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देगा, जिन्हें मैं कहता हूं स्फेरिकल एब्रिएशंस। क्या है जी स्फेरिकल एब्रिएशन में, इस लेंस का सेंट्रल पार्ट तो एक स्लैब की तरह से काम करना शुरू कर देता है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो देखो प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर बन गया, नीचे वाला पार्ट प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो ऊपर वाला पार्ट जो प्रिज्म जैसा है वो तो इसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन दे देगा, यानी अलग अलग कलर्स को डिस्पर्स कर देगा। ऐसे ही जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो भी अलग अलग कलर को डिस्पर्स कर देगा, और जो सेंट्रल पार्ट है वो स्लैब की तरह से काम करेगा। तो जो सेंट्रल पार्ट की वजह से एब्रिएशन आता है इसे बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल एब्रिएशन, ऊपर वाले पार्ट या नीचे वाले पार्ट की वजह से जो एब्रिएशन आता है, दोष आता है, उसे बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो नो डाउट सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर अगर मैं बढ़ाता हूं तो उसमें ये दो एब्रिएशन आ जाते हैं। अब ये जो दो एब्रिएशन आ जाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं यहां एक ड्रॉबैक नजर आती है, मुझे लगता है कि अब तो ये काम करेगा नहीं, तो फिर मुझे सोचना होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ, फिर मुझे क्या बनाना होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना होता है। डिस्टेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे, एक पहले लेंस लेंगे, इसके पास में अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इससे जो इमेज बनेगी अब इस इमेज को हम लोग फर्दर मैग्नीफाई करेंगे दूसरे लेंस की हेल्प से, यानी दो लेंस का यूज हम लोगों को करना होगा और फाइनल इमेज जो है हमारी बड़ी बन जाएगी, एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और जो एब्रिएशन आ रहे थे वो भी नहीं होगा। लेकिन बच्चों एक नुकसान भी होगा, क्या नुकसान होगा, आप एक लेंस के बाद दूसरे लेंस से क्या करा रहे हो, रिफ्रैक्शन करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी। अब इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर लाइट डालोगे, जितनी ज्यादा लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी उतना ही इंटेंस इमेज हम लोगों को इसमें दिखेगी। तो देखो मैंने यहां सिंपल माइक्रोस्कोप के एब्रिएशन बता दिए, उन एब्रिएशंस को दूर करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये बात मैंने बता दी, इसको दूर करने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर आप प्रॉपर लाइट डालोगे ये बात आपको समझा दी। ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें थी, आपके बिल्कुल जो डीप वाले क्वेश्चन होते हैं वन मार्क्स वाले, क्यों कैसे कहां, उनके आंसर्स आपको इस सारे के सारे लेक्चर में अब तक मिल गए। अब हम लोग वो बात करेंगे जो सीबीएसई आपसे डायरेक्ट पूछता है। डायरेक्ट क्या पूछता है, एक तो पूछता है भैया इन दोनों लेंसेज की करैक्टरिस्टिक क्या होंगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कैसे निकालोगे। तीसरा क्वेश्चन, ये रे डायग्राम कैसे बना है। चौथा क्वेश्चन, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर चार ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, मैंने चारों बता दिए लेंसेज की करैक्टरिस्टिक। नंबर वन,
नंबर टू कोर्स ऑफ रे, रे डायग्राम. नंबर थ्री मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन. नंबर फोर इसके ऊपर निर्णय. तो बच्चों मैं एक एक करके यहां पे करता हूं. सबसे पहले मैं कोर्स ऑफ रे की बात करता हूं. कोर्स ऑफ रे में डियर स्टूडेंट्स करना क्या है आपने समझ लिया. कोर्स ऑफ रे में सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट के नजदीक जो लेंस होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस नाम दे दोगे. ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसको एफ ओ कहोगे, और जो ऑब्जेक्ट है इस एफ ओ के पीछे कहीं ले जा करके रखोगे. जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर आपको याद हो तो आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और एफ ओ के बीच में कहीं रखा था, जिससे उसका इमेज इसी साइड में बन गया था. अब यहां वो काम नहीं करना है, अब आपको अपने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से थोड़ा पीछे रखना है. अब जैसे ही थोड़ा पीछे रखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो कोर्स ऑफ रे बड़ा क्लियर सा है. इमेज फॉर्मेशन, एक रे पैरेलल आई, जो पैरेलल आई इसकी दूसरी तरफ जो फोकस था उससे पास होकर के आगे निकल गई बच्चों. दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो अनडेविएटेड आगे जाएगी. जहां पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा. तो जो पहला ऑब्जेक्ट था इसका इमेज फॉर्मेशन ए डैश बी डैश यहां पे हो गया. डियर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट का साइज नो डाउट छोटा था, इसीलिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो. तो इस छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए छोटे अपार्चर का लेंस चल जाएगा, छोटे अपार्चर के लेंस से काम चल जाएगा. तो आपको यहां जो लेंस लेना है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो लेना है, उसका अपार्चर अगर छोटा है तब भी चलेगा. डियर स्टूडेंट्स दूसरी बात, अपार्चर छोटा है हम इसको थोड़ा थिक लेंस भी लेंगे, यानी जिसकी फोकल लेंथ कम है वो लेंस लेंगे, या जिसकी पावर थोड़ी ज्यादा है वो लेंस लेंगे. डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव लेंस की करेक्टरिस्टिक आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी. अब मैं आगे इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूं. ये जो आईपीस है, आंख के नजदीक जिस लेंस को मैं रखूंगा उसका अपार्चर मुझे थोड़ा बड़ा लेना होगा. क्यों? क्योंकि इसके कंपेरेटिवली ये जो इमेज इसकी बन रही है ये थोड़ी बड़ी है. अगर पूरी पूरी इमेज इसके अंदर नहीं आएगी तो इमेज फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेरा गड़बड़ करेगा या इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी. तो मैंने बड़े अपार्चर का यहां पे लिया डियर स्टूडेंट्स. अब इसको मैग्नीफाई भी करना है मुझे, लेकिन मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है, ये उसी साइड में मेरे को इमेजनरी इमेज मिल रही है. तो मैं नो डाउट अगर इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो थोड़ी कम भी होगी, मॉडरेट होगी, चलेगा. वैसे तो नॉर्मल केस में दोनों की ही मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की तो कंपैरिजन दोनों का मेरे को समझ में यहां से आ जाना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स अब ये जो मेरे पास इमेज आया, इस इमेज को आईपीस के लिए एज ऑब्जेक्ट मेरे को ट्रीट करना है, और इस तरह से ट्रीट करना है कि ये इमेज इसका जो आईपीस का फोकल लेंथ है जिसको मैंने एफ ई लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के अंदर अंदर हो. यानी ये जो इमेज है किसकी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, वो मेरी ऑप्टिकल सेंटर एज वेल एज फोकल लेंथ किसकी आईपीस के बीच में कहीं रखा हो. तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी नो डाउट इस तरफ तो होगी नहीं. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये यहां तो डाइवर्ज हो रही है, वापस मेरे को ले जाना पड़ेगा. वापस ले जाना पड़ेगा तो मेरी इमेज फॉर्मेशन यहां कहीं हो जाएगी. इस तरह से कोर्स ऑफ रे मेरे को समझ में आ गया. डियर स्टूडेंट्स अगर मैं ये मैग्निफिकेशन और भी बढ़ाना चाहता हूं तो क्या करूं, इस लेंस को और थोड़ा नजदीक ले आता हूं, बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक ले आता हूं, तो ऑब्वियसली ये जो फाइनल इमेज है मेरी और भी बड़ी मेरे को मिल जाएगी. डियर स्टूडेंट्स एक चीज और यहां आती है, क्या दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम लोग लेंथ ऑफ ट्यूब के नाम से जानते हैं. बिकॉज ऑफ इन दोनों लेंसेज को एक ट्यूब के अंदर हमें सेट करना होता है जिससे ये आगे पीछे हो सके इजीली और फिक्स भी रहे. दोनों लेंसेज को कोएक्सियल हम लोगों को रखना होता है, एक ही एक्सिस के ऊपर होने चाहिए. दोनों लेंस हमारे पैरेलल होने चाहिए, कोई भी इनमें एंगल नहीं होना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, दोनों लेंसेज की करेक्टरिस्टिक देख ली, एज वेल एज जो कोर्स ऑफ रे है वो भी हम लोगों ने देख लिया. अब तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर को निकालना. तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हो या सिंपल माइक्रोस्कोप की हो,
दोनों केसेस में मेरे को tan बीटा ओवर tan अल्फा ही लिखना होता है. डेफिनेशन भी सेम है. क्या है? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज प्लेस्ड एट डिस्टिंक्ट विजन, प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज बीटा. अल्फा, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय व्हाट ऑब्जेक्ट, कब, जब वो भी हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो. इवन अगर मैं चाहूं तो जो मेरा आईपीस है इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है 1 प्लस डी ओवर एफ, मैं सीधे सीधे प्लेस कर सकता हूं. पहले पढ़ चुका हूं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में. गेटिंग द कॉन्सेप्ट नोट? बाकी तो मैंने बताया tan बीटा ओवर tan अल्फा, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट आर आई बाय द फाइनल इमेज placed at distance of distinct vision, यानी कि 25 सेंटीमीटर. अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आर आई वेन एवर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट. अब जरा मैं डायग्राम की बात करता हूं. तो देखो यहां मैंने समझा भी रखा है, ये अल्फा को अलग से दिखा रखा है आपको. कोई कहेगा भैया ऊपर डायग्राम पे कहीं अल्फा नहीं है, तो यहां अलग से अल्फा बना रखा है. दैट इज द इनिशियल ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है, आई पे बनने वाला एंगल अल्फा. गेटिंग द कॉन्सेप्ट नॉट? और बीटा की बात करें तो मैं बीटा को और भी क्लियर कर देता हूं. ये हरे रंग के किससे, मार्कर से मैंने बीटा दिखा दिया. ये रहा ये बीटा है, समझ गए, यहां पे बनने वाला एंगल ये बीटा है. तो डिस्टेंस सारी चीजें मैंने यहां लिख रखी है. एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये बात सारी समझा रखी है. कॉन्सेप्ट मैंने यहां आपको देने की कोशिश की है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए. अब जरा मैं देखता हूं एग्जाम में कैसे लिखोगे. एम मैग्नीफाइंग पावर, That is not magnification, magnifying power, that is beta over alpha, या tan beta over tan alpha. यहाँ मैंने value डाली. देखिए ये जो step है, ये अपने आप में काफी important step है. इसको मेरे को कहीं ना कहीं diagram के साथ ही consider करके देखना चाहिए. देखिए tan beta, beta के लिए मैंने कहा a double dash b double dash या height of final image h dash लिख रखा है, बात एक ही है. ठीक है, getting the concept or not? अब इसको सिमिलरिटी यहां लगा करके एक स्टेप छोड़ रखा है, कोई बात नहीं, वो स्टेप आपको बता देता हूं. पहले स्टेप में मेरे को जो लिखना है बच्चों, वो लिखना है क्या, अभी एक्सप्लेन करता हूं, एक मिनट रुकिए. देखिए मेरे को tan बीटा पहले स्टेप में जो लिखना है वो लिखना है a डबल डैश b डबल डैश, ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैपिटल D. लेकिन मैं क्या देख रहा हूं बच्चों, मैं देख रहा हूं यहां दो ट्रायंगल. एक ट्रायंगल तो ये छोटे वाला, इसमें भी आपको एंगल बीटा मिल रहा है, और दूसरा ट्रायंगल ये बड़े वाला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्रीन मार्क किया था, ये वाला. देखिए दोनों में ही आपको बीटा मिल रहा है, तो ग्रीन वाले से तो मैंने यहां पे लिख दिया. अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है. अब देखो बच्चों, किसी बच्चे ने नाइन्थ में सिमिलर ट्रायंगल्स को अच्छे से नहीं पढ़ाया तो वो फिर फिजिक्स के लिए समझ लो उसको क्या करना है, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी. सिमिलरिटी आपको देखनी पड़ेगी, बिना सिमिलरिटी के काम नहीं चलेगा. चलिए तो बच्चों दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात करता हूं. रेड वाले ट्रायंगल से मैंने ये ऊपर दे दिया, अब जो ग्रीन वाले ट्रायंगल से मैंने ऊपर दे दिया, अब रेड वाले ट्रायंगल से अगर मैं tan बीटा की वैल्यू देता हूं तो ये मेरे पास आता है a डैश b डैश ओवर ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ue. एग्जैक्टली व्हाट इज ue? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस. जहां जहां e आ रहा है इसका मतलब आईपीस, जहां जहां o आ रहा है इट मींस दैट इज ऑब्जेक्टिव. तो डिस्टेंस tan बीटा की वैल्यू दोनों ही ठीक है, डिफाइन के लिए मैंने ये कहा और वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये कहा, गलत कोई भी नहीं है. तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहां पे h डैश ओवर ue लिखा है. h डैश इस a डैश b डैश को ही कहा है बच्चों. tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा तो एक ही है, मैं यहां बता चुका हूं, दैट इज h बाई डी. h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और d इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो डिस्टेंस यहां से अगर मैं इसको क्रॉप करता हूं तो ये h डैश ओवर h इंटू डी ओवर यू ई आता है. नो डाउट h डैश ओवर h दिस करस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्टिव लेंस. इसको लिख दिया मैंने MO, मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव. एंड d ओवर यू ई दिस करस्पॉन्ड टू व्हाट, आईपीस, दैट इज मैग्निफिकेशन बाय द आईपीस. तो इस तरह से मैंने एक लाइन के अंदर गागर में सागर फिल करने की कोशिश की, एक स्टेप को छोड़ भी दिया जो मैंने अभी समझाया आपको.
दैट इज व्हाट MOME. अब जैसा मैंने कहा था बच्चों, MO के बारे में मैं बात करूंगा तो HI ओवर H है. अगेन सिमिलरिटी से मैं इसको V ओवर U कह सकता हूं. MO जो होगा वो विद नेगेटिव साइन होगा बिकॉज ऑफ इमेज मेरा उल्टा बन रहा है, तो चाहो तो यहां पे एक माइनस का साइन ले लो, लेकिन इस माइनस के साइन का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो मेरा उल्टा बन रहा है. अब अगर मैं बात करता हूं ME के बारे में, डियर स्टूडेंट्स, तो ME के बारे में बहुत ज्यादा कुछ मुझे बात करने की जरूरत नहीं है. मैं सीधे सीधे इसको 1 प्लस डी ओवर एफ ई डाल सकता हूं, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है. अब अगर मैं इस फॉर्मूले में MO ME दोनों की वैल्यूज प्लेस करता हूं तो VO ओवर UO 1 प्लस डी ओवर एफ ई, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन. और डियर स्टूडेंट्स, जब एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात होती है तो मुझे प्लस या माइनस का साइन कहीं भी नहीं देना होता, मुझे जरूरत नहीं होती प्लस या माइनस के साइन की, बिकॉज ऑफ एंगल में मेरा चेंज हो रहा है. और एंगुलर जो है वो कैसा है, यहां पे एंगल की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थ्री डायमेंशनल एंगल आता है, और अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो वहां माइनस प्लस की जरूरत नहीं होती है. लेकिन नॉर्मली अगर मैं देखता हूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, वो उसमें इमेज मेरे को उल्टी दिखती है. अब बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, उसको उल्टा देख लो सीधा देख लो डजंट मैटर, तो इसमें इरेक्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको उल्टा या सीधा कैसा भी दिखता है तो आप उसको ग्रेस कर सकते हो. दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू माइक्रोस्कोप. तो डियर स्टूडेंट्स, आप जरा देखिए इसमें कुछ स्पेशल केसेस की बात हम लोग करते हैं. क्या है, एज द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड क्लोज टू द फोकस एफ ओ. देखो यहां जो ऑब्जेक्ट है मैंने कहा एफ ओ के पीछे रखना है, लेकिन मैं एफ ओ के जितना पीछे, मतलब जितना नजदीक पीछे रखूंगा, यहां पे रखूंगा, उतना ही बड़ा इमेज मेरे को मिल जाएगा. अल्टीमेटली जो यू ओ है, इस यू ओ को मैं एफ ओ से रिप्लेस कर सकता हूं. वही काम मैंने यहां पे किया है, यू ओ को मैंने एफ ओ से रिप्लेस कर दिया. नेगेटिव साइन इसलिए डाला क्योंकि यू मेरा नेगेटिव होता. अब एम ओ जो है वो मेरे पास मिल जाएगा एच डैश ओवर एच, तो यहां इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं एल ओवर एफ ओ से. क्या कैसे रिप्लेस कर सकता हूं ये फिर मैं समझता हूं, हालांकि प्रीवियस नॉलेज की बात है, बहुत दिनों से मैं पढ़ता चला आ रहा हूं. क्या है भैया, M magnification, that is height of image over height of object equals to V over U. याद आ गया? अब बच्चों height of image को यहां पे H dash क्या रखा है, height of object को S दे रखा है. किसके लिए बात है, ये objective के लिए, पहले lens के लिए बात है. अब जरा देखिए मैं U की जगह पे माइनस का एफ ओ लिख देता हूं. क्यों लिख देता हूं, मैंने उसको बिल्कुल नजदीक रखा है जिससे कि ज्यादा मैग्निफिकेशन हो. अब ये L कहां से आ गया जी, नो डाउट V की जगह पे कहीं ना कहीं L आया है, तो V की जगह पे L कैसे आया ये समझिए. इस बात को भी हम लोगों ने पीछे बताया था, अभी देखते हैं. देखिए इस फिगर में हम लोग कंसीडर करते हैं भैया, ये ए डैश बी डैश जो इंटरमीडिएट इमेज है वो जितना नजदीक बनेगी आई पीस के उतना ही फाइनल मैग्निफिकेशन ज्यादा मिल जाएगा. अल्टीमेटली मैं ये मान लेता हूं कि जो वीओ है, वीओ है वो लगभग बराबर है लेंथ ऑफ क्यूब के, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में मुझे दो चेंज करने हैं. एक तो अपने ऑब्जेक्ट को एफओ के जस्ट बिहाइंड रखना है, दूसरा जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो मेरे को लगभग वीओ के बराबर रखनी है. ये दोनों कंडीशन में डालूंगा तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की कंडीशन मिल जाएंगी, दैट इज माइनस का साइन उल्टी बेस बन रही है, इसलिए एल ओवर एफओ इनटू डी ओवर एफ. तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे हमने थोड़ा सा और इसको एलोबरेट किया. ऑब्वियसली मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लार्ज व्हेन बोथ एफओ एंड एफई आर स्मॉल. तो बच्चों यहाँ हमने दोनों चीजों को लेकर के कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश की है. अब मैं इसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मैं समझता हूँ आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लियर हो जाएगा. एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब तक आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, जब तक आप अलग अलग लेंसेज के थ्रू मैग्निफिकेशन की बात नहीं जानते, लेंस फॉर्मूले को यूज करने की बात नहीं जानते, तब तक न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी. ठीक है, बाकी जितने न्यूमेरिकल्स हमने यहां डाल रखे हैं अगर वो न्यूमेरिकल्स भी आप लोग तरीके से कर लेते हैं तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर 70 आउट ऑफ 70. कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ग्रेस्पिंग के साथ करने हैं. चलिए
द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए कंपाउंड माइक्रोस्कोपी इज 20. इसका मतलब क्या है? निश्चित रूप से MO into ME equals to 20 Ag. While that produced by the eyepiece alone is 5, इसका मतलब ME जो है वो 5 है. When the microscope is focused on a certain object, the distance between objective and eyepiece is 14 cm. It means length of tube जो है वो 14 cm है. Find the focal length of the objective, यानी आपको यहां से FO को निकाल के देना बच्चों. एंड आईपीस यानी आपको एफ ई को निकाल के देना है बच्चों. आगे कहता है इफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20 सेंटीमीटर. यहां थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया. नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इसको 25 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन वो यहां पे कह रहा है कि भैया 20 सेंटीमीटर है. अब ये क्यों कह रहा है ये भी समझ लो, बहुत अंदर की बात बच्चों. हो सकता है जो इसको यूज कर रहा है उसकी आंखों में पहले से कोई दोष हो. 25 सेंटीमीटर के बजाय उसका डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना हो? 20 सेंटीमीटर. इसलिए उसने यहां पे कह दिया है. गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑन नॉट? खैर, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना जरूर चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा है. तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से तो मैं नहीं कह सकता आंसर आ जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऊपर दिए उसके बेसिस पे तो 100% आपका आंसर आ ही जाएगा. अब कैसे सॉल्व इसे करना है, मैनुअल प्रोसेस आपको दे दिया, फिलॉसफी आपको दे दी, अब आप जो है क्या करेंगे इसको अप्लाई करेंगे एग्जाम में. कैसे लिखेंगे देखिए, एम मेरे को 20 रखा है, एम ई 5 रखा है, बी 20 सेंटीमीटर रखा है, वी ई माइनस का 20 सेंटीमीटर रखा है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही मेरी फाइनल के बराबर होनी चाहिए. एम मैं निकालना चाहता हूं ऑब्जेक्टिव को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव का एम है बच्चों, तो मैं इसको क्या कहूंगा, एम ओ कहूंगा. That is MO equals to M over ME, यहां से 4 आ गए. अब यहां मैं बात करना चाहता हूं आईपीस की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, ME equals to 1 plus G over FE, इसको यूज कर सकता हूं. यहां से FE मैं डायरेक्ट निकाल के दे सकता हूं. अब ME जो है मेरा वो VE over UE के बराबर भी होता है, तो मैं यहां से UE निकाल के दे सकता हूं. अब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस यानी लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो मेरे को कितनी रखी है बच्चों, यहां पे वो देखिए है मेरे को 14 सेंटीमीटर, तो मैंने यूज किया. अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में यूई और वीई वीओ दोनों का एडिशन 14 है. ये बात मैं जरा आपको समझा देना चाहूंगा फिगर के ऊपर ही. देखो बच्चों इस फिगर को देखो, ये वीओ और यहां से आगे ये वाली डिस्टेंस यूई नीचे दे रखी है हमने. लेंथ ऑफ ट्यूब एल जो है वो पहले में वीओ और यूई दोनों के सम के बराबर है. बस वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया डियर स्टूडेंट्स, ये डाल दिया हमने, ये आ गया. अब यहां से मैं कहीं ना कहीं वीओ निकाल के आपको दे सकता हूं, मैंने एमओ मैं वैल्यूज को डाला तो एफओ भी निकाल के दे सकता हूं, या मैं डायरेक्टली जो लेंस फॉर्मूला है उसमें विद साइन कन्वेंशन इन सारी वैल्यूज को डालूंगा तो मेरे को एफओ निकल के आ जाएगा. अब देखिए अगर मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रही है या कहीं कोई, तो कॉन्सेप्चुअली ये समझने की बात है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें दोनों ही लेंस मेरे कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं. जब दोनों लेंस बच्चों मेरे कॉन्वेक्स होते हैं तो फोकल लेंथ नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती. तो ये कुछ प्रिकॉशंस या मैं कहूंगा अटेंटिवनेस हम लोगों को रखनी चाहिए जब भी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं उस समय. अब जरा बच्चों मैं टेस्ट थोड़ा सा चेंज करता हूं, बहुत देर से पढ़ रहा हूं. नजदीक रखी हुई वस्तुओं को बड़ा करके देखना, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना. अब जरा हम लोग टेलीस्कोप की बात करेंगे, बिल्कुल एक तरीके से उल्टा कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्कोप का. लेकिन बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उल्टा रख करके कोई टेलीस्कोप मत बना देना. कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उल्टा रख के टेलीस्कोप नहीं बनाया जा सकता. यह एक अलग बात है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके लेंसेज को डिसमेंटल करो, अलग अलग कर लो, फिर उन्हीं लेंसेज को यूज करके रीअरेंज करके टेलीस्कोप बना सकते हो. कैसे बना सकते हो हम समझते हैं, टेलीस्कोप के नाम से ही क्लियर हो रहा है. ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, निश्चित सी बात है आई पे सबटेंडेड एंगल को बढ़ाना होगा.
अब सन को तो मैं अपने नजदीक नहीं ला सकता, तो क्या कर सकता हूं? सन की एक इमेज अपनी आई के नजदीक बना सकता हूं। जब सन की एक इमेज अपनी आई के नजदीक बना लूंगा तो क्या होगा, आई पे सबटेंडेड एंगल बड़ा हो जाएगा, सबटेंडेड एंगल बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे क्लियरली देख पाऊंगा। बस हो गया टेलीस्कोप का प्रिंसिपल। देखो जरा कैसे टेलीस्कोप बनाते हैं। टेली का मतलब दूर, स्कोप का मतलब देखना, यानी दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना, बड़ा करके देखना, क्या कहलाता है, टेलीस्कोप कहलाता है। चलिए अब टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं बच्चे, ये भी समझ लो, क्या रिफ्रैक्टिंग टाइप यानी जिसमें हम लेंस यूज करेंगे, दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप जिनमें हम लोग मिरर यूज करेंगे। अब ये दो की जरूरत क्या पड़ेगी? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं उनमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी एनीवे थोड़ी कम हो जाती है। दो बार अगर हमने रिफ्रैक्शन करा दिया, वैसे जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनसे लाइट कम आती है, अब इंटेंसिटी कम हो गई तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसमें परावर्तन होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, मिरर्स यूज करते हैं, वो भी हम यहां बनाते हैं। तो अब देखिए जो रिफ्रैक्टिंग टाइप है वो फर्दर दो तरीके के टेलीस्कोप होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं ये बात जरा मैं आपसे यहां शेयर करना चाहूंगा। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा है टेरेस्ट्रियल। नाम से क्लियर हो रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल यानी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, यानी हम अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको देखना चाह रहे हैं टेलीस्कोप के थ्रू, दैट मस्ट बी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब डियर स्टूडेंट्स, अर्थ से बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको उल्टा देखूं सीधा देखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि माइक्रोस्कोप में था, माइक्रोस्कोप में छोटा ऑब्जेक्ट था उसको उल्टा सीधा कैसा भी देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में चूंकि हमारे सारे ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं हमसे, उस स्थिति में ये हमें सारे स्फेरिकल ही दिखाई देंगे, शेप का कोई मैटर नहीं रहेगा, उल्टी बने सीधी बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब दूसरे टेलीस्कोप, दूसरे कौन से हैं सर? दूसरे है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब मैं अर्थ पे यहां खड़ा हूं और यहां मेरा कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा हूं, तो नो डाउट। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर मेरा अर्थ पे है तो कहीं ना कहीं इसका जो साइज है वो फाइनाइट होगा, इसके उल्टे सीधे का अंतर पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने छत पे खड़ा हो जाता हूं और सिग्नेचर ब्रिज को देखता हूं, अब वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूंगा, टेलीस्कोप यूज करूंगा। अब टेलीस्कोप से क्या हुआ साहब, मान लो उल्टी इमेज बन गई तो भैया सारा ही उल्टा पुलटा हो जाएगा ना, सिग्नेचर ब्रिज को उल्टा देखूंगा तो मुझे ब्रिज कहां दिखाई देगा, वो तो उल्टा दिखेगा। या चलो छत पे खड़ा हो गया, मैंने क्या देख लिया, कुतुब मीनार को देख लिया था। अब कुतुब मीनार को अगर मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जिसमें इमेज जनरली उल्टी बनती है, जनरली क्या जी हमेशा उल्टी बनती है, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, आगे पढ़ेंगे अभी हम, तो कुतुब मीनार तो मुझे उल्टी दिखेगी। अब जब कुतुब मीनार उल्टी दिखेगी तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक तो नाराज हो जाएगा मेरी, कुतुब मीनार को उल्टा क्यों देखा तूने, या सिग्नेचर बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे, अरे ये उल्टा देख रहा है हमें। तो भैया जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होते हैं उनमें सीधी इमेज बनना जरूरी है, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सीधी इमेज बनना जरूरी नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम तब यूज करते हैं जब एस्ट्रोनॉमिकल कोई ऑब्जेक्ट होता है यानी अर्थ से बाहर होता है, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम तब यूज करते हैं जब हम अर्थ पे खड़े होकर के अर्थ के ही किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, जैसे छत पे चले गए और आप हवाई जहाज देख रहे हो, छत पे चले गए सिग्नेचर ब्रिज देख रहे हो, या छत पे चले गए दूर बैठे हुए किसी कबूतर को देख रहे हो, तो यू हैव टू यूज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, नो डाउट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होते हैं इनमें जो फाइनल इमेज बनती है इनकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। आप देखो बच्चों हर सेंटेंस से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल रहा है, तो आप इन बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे, चाहेंगे तो नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि हर चीज को नोट्स में नहीं लिखा जा सकता, बहुत सारी चीजें एक बार समझने से ही बैठ जाती हैं। तो यहां रिफ्रैक्शन होता है एक लेंस से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन हम अच्छे मिरर यूज करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वहां इंटेंसिटी प्रॉपर मिलती है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप दो तरीके के होते हैं, एक है न्यूटोनियन टाइप और दूसरा है कैस्केडियन टाइप। तो बच्चों चार तरह के टेलीस्कोप हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल जो रिफ्रैक्टिंग को करस्पॉन्ड करते हैं, और न्यूटोनियन, कैस्केडियन
दैट इज रिफ्लेक्टिंग को करते हैं। अब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में मैं यहां पे बच्चों डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का ये बेनिफिट होता है कि जितना आपका मन हो रहा है, जहां तक आपको मन हो रहा है वहां तक आप वीडियो को देखो, पॉज करके रख दो घंटे दो घंटे बाद या अगले दिन उसको देख लो, समझ गए। तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को फिजिक्स को जल्दी फिनिश करना है, कैप्सूल लेना चाहता है, क्रैश कोर्स करना चाहता है, तो इट डिपेंड्स ऑन, वो चार घंटे बैठ के देखे, तीन घंटे बैठ के देखे, लगातार देखे। अब किसी को मान लीजिए ट्वेल्थ चार साल में करनी है, अरे कोई कह थोड़ी गया है कि आप जो है ना एक साल में ट्वेल्थ को पास कर लोगे। अभी किसी का मन है चार साल में करो आराम से, किसने मना किया। एक वीडियो आज देख लो, एक आठ दिन बाद देख लो, दूसरी 16 दिन बाद देख लेना, तीसरी 2 महीने बाद देख लेना, क्या फर्क पड़ता है। इस साल नहीं देंगे पेपर, अगले साल दे देंगे। तो भैया स्पीड आपने अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करनी है। आपने नीट का सिलेक्शन चाहिए, जेई का सिलेक्शन चाहिए, तो रिसर्च की बात है, थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखनी होगी। और जिस कंटिन्यूटी में मैं यहाँ क्लासेस आपको देता हूँ, कंटिन्यूटी बोलता रहता हूँ, वैसे ही आपको भी अपनी स्पीड को कहीं ना कहीं मेंटेन करना होगा। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे थे। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, हेवनली बॉडीज को देखने के काम आता है, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। ये थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने कर रखी है, अब खास बात आती है यहाँ पे इसके रे डायग्राम की। तो डियर स्टूडेंट्स, कोर्स ऑफ रे यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, कोर्स ऑफ रे की जरूरत हमें यहाँ भी पड़ती है। तो देखिए, दो डायग्राम दे रखे हैं, दोनों को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, दूर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, आने वाली लाइट कंपैरेटिवली कम होती है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को हम लोग गैदर करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका अपर्चर बड़ा होना चाहिए। मैग्निफिकेशन यहां बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट के साथ एक छोटा एंगल बनाते हुए हमेशा इस लेंस, जिससे कि एक फाइनाइट साइज का इमेज आपको बन जाए। अगर आपने इनफाइनाइट से पैरेलल आने वाली रेज के साथ में मिरर को, इसको लेंस को रख दिया, तो पॉइंट लाइक इमेज बनता है, कहां, फोकस पे। अब पॉइंट का मतलब जीरो साइज, अब जीरो साइज को कितना भी मैग्नीफाई करोगे वो कहां मैग्नीफाई हो पाएगा। इसलिए आप ये इस तरीके से ना रख करके, थोड़ा सा टिल्ट करके यहां पे छोटा सा एंगल बनाते हुए क्या रखते हो, अपना ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हो। इनफाइनाइट से रेज आ रही है साहब, लाइट ज्यादा कलेक्ट हो जाए इसलिए आपने बड़ा अपर्चर ले लिया है साहब। अब इससे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो आपका छोटा सा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, कहां पे, एफ ओ पे, फोकस पे होगा। सीधी सी बात है, पैरेलल आने वाली रेज फोकस पे जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऑब्जेक्टिव में तो कुछ पढ़ना ही नहीं था। अब जरा अगली बात करते हैं बच्चों, देखिए क्या है। अब ये जो छोटा इमेज बन गया, इसको मैं बड़ा करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं तो मुझे दूसरा लेंस लगाना होगा जो मेरी आई के नजदीक है, जिसको मैं आईपीस कहूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पहला जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है ये भी जरा हम समझें। बच्चों, होता ही है कि जब टेलीस्कोप हमारे हाथ में होता है, इन लेंसों के बीच की डिस्टेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, तो बहुत देर तक तो हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखता, इमेज ही नहीं दिखती। तो यहां पे एक नॉर्मल एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि जो इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था उसका इन्फाइनाइट पे ही इमेज बनता है, बस हमें दिख जाता है कि हां साहब है, बड़ा नहीं दिखता, वैसा ही दिखता है। लेकिन उससे क्या होता है, हम ये एक तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं ये वही है। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, पहले लेंस के फोकल पॉइंट पे दूसरे लेंस का फोकल पॉइंट कॉन्साइड करेगा, यानी एफ ओ एफ ई के ऊपर कॉन्साइड करेगा। नो डाउट, जब दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो इमेज फॉर्मेशन फर्दर इंफिनिटी में बनेगा, लेंथ ऑफ ट्यूब एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगी। तो ये है मेरा नॉर्मल एडजस्टमेंट किसका, टेलीस्कोप का, ठीक है। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, कैसे होगी, ये बात अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला तो वही रहेगा, टेन बीटा ओवर टेन अल्फा, लेकिन अब डिफाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या डिफाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, टेन बीटा में तो कुछ चेंज नहीं होगा, टेन अल्फा में चेंज होगा। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या चेंज होने वाला है बच्चों। चलिए, अब जरा देखिए मैं दूसरी फिगर की बात करता हूं, ये है मेरा फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए फाइन एडजस्टमेंट में क्या है कि भैया हमने इमेज तो बना ली, अब इस इमेज को थोड़ा बड़ा भी करना है, एक फाइनाइट साइज की इमेज बना के देना है,
जिससे हम इसको क्लियरली देख पाए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा क्या मजेदार सा केस हमें मिलता है, कैसे हम लोग इस काम को करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस में तो कोई चेंज करना ही नहीं है आपने, ये तो अपनी जगह पे रखा हुआ है, इसने तो अपनी फोकस पे क्या बना दिया, एक फाइनाइट साइज का इमेज बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इस लेंस को अंदर लेके आते हैं, नो डाउट एक ट्यूब के अंदर दोनों लेंस लगाते हैं और हम ट्यूब की लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। इस लेंस को नजदीक लेके आते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जो एफ ई पहले एफ ओ के ऊपर कॉन्साइड कर रहा था, अब एफ ई हमारा आगे बढ़ जाता है, यहां आ जाता है। तो देखिए ये वाला जो इमेज है इस लेंस के लिए कहीं ना कहीं एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ गया। जब एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ गया तो इसका फाइनल इमेज इसी डायरेक्शन में मेरे को इनवर्ट इसी डायरेक्शन में इमेजनरी इमेज यहां पे मिल जाता है। मैं जितना नजदीक लेके आऊंगा उतना ये बड़ा इमेज मेरे को मिल जाएगा, कहानी खत्म। डियर स्टूडेंट्स इसका अपर्चर बढ़ा लेते हैं, क्यों लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट कर ले। इसका अपर्चर कंपैरेटिवली छोटा लेते हैं क्योंकि एक छोटा ऑब्जेक्ट है, उसी से मेरे को बनाना है। मैग्निफिकेशन की बात करें, पहले वाले का तो मैग्निफिकेशन कुछ है ही नहीं, पहले वाले से तो बस इतना सा है, इसको थोड़ा और टिल्ट कर देंगे तो और बड़ा बन जाएगा, लेकिन और बड़ा बन जाएगा तो इसका अपर्चर बढ़ा लेना पड़ेगा। तो इसकी तो मैग्निफिकेशन का कोई खास रोल है ही नहीं, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। मैग्निफिकेशन देखना है मेरे को आईपीस का, जिससे कि ये वाली जो मेरी इमेज बनी है इसको मैं इंटरमीडिएट इमेज कह सकता हूं, इस वाली इमेज का फाइनल इमेज मेरे को बड़ा मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स मैं दो तरीके से कवर कर सकता हूं, एक तो इसको नजदीक लाके, एक इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। अब फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहां से मेजर करूंगा, नो डाउट आईपीस लेंस से। मैं पहले कह चुका हूं कि आंख को बिल्कुल नजदीक रखना है आईपीस के, तो ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब डियर स्टूडेंट्स ये जब कोर्स ऑफ रे मुझे समय में आ गया, देखो मेरे यहां बनाने से नहीं चलेगा, अगर मैं इसे बनाने लगता तो हो सकता है 10 मिनट में बना ही पाता, तो आपकी 10 मिनट खराब होती। वो टाइम जो बचा है उस टाइम को आपने अपने कॉपी पे यूज करना है, क्लास लेने के बाद अपने हाथ से डायग्राम बनाना है, कहीं कोई गलती होती है तो यहां से चेक करना है, फिर भी अगर समय में नहीं आता तो मेरे को व्हाट्सएप करना है। आप ऐसा मत सोच लेना कि मैंने नोट्स में बहुत अच्छा सा डायग्राम बना रखा है इसी से आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको डायग्राम अपने आप से बना के देखना है। डियर स्टूडेंट्स फिर थोड़ी सी काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ये मस्ट है कि जिसको अपना हेल्थ इंप्रूव करना है वो वर्कआउट करें। आपको सारी चीजें ये चाहिए तो आप अपने हाथ से करके देखोगे तो पक्की होंगी। आपको फिजिकल हेल्थ बनानी है तो जिम ट्रेनर के भरोसे मत रहो, वो कितनी भी एक्सरसाइज करेगा आपकी सेहत थोड़ी ठीक हो जाएगी, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, जिम में करो या पार्क में करो या घर पे करो। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मैं यहां सिर्फ आपको पाथ दे रहा हूं, मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गाइडलाइंस दे रहा हूं। आपको ये सारा का सारा काम अपने आप से करके देखना है, कोई दिक्कत आती है तो फिर दोबारा से वीडियो देखनी है या मेरे को व्हाट्सएप करना। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स अब जरा हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन तो सिंगल लेंस के केस में जनरली आता है, हम यहां मैग्निफाइंग पावर की बात करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या, टेन बीटा ओवर टेन अल्फा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब जो है वो टेन बीटा और टेन अल्फा की डिफाइन थोड़ी अलग हो जाएगी। बीटा तो वैसे ही रहेगा, बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आवर आई व्हेन एवर इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं फिर द्वारा डिफाइन करूं, tan beta is the angle subtended at our eye by the final image whenever placed at the distance of distinct vision। अब अल्फा देखो ये तो वही चीज है जो पीछे पढ़ते आ रहे थे, इसमें कोई चीज अंतर नहीं किया हमने। अब आता है अल्फा, भैया अल्फा एंगल जो है वो सीधे सीधे मेरे को मिलता है, एंगल सबटेंडेड by ऑब्जेक्ट एट आवर आई सीन डायरेक्टली। अब इसमें डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उससे जो एंगल आपकी आंख पर बन रहा है उसको आप अल्फा कहोगे। अब चूंकि अल्फा बीटा दोनों छोटे होते हैं इसलिए आप बीटा ओवर अल्फा को टेन अल्फा टेन बीटा के टर्म्स में ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यू डाली, जरा देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पर बीटा की तो बीटा में फिर चेंजेस मेरे को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मैं ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर डी डाल सकता हूं,
या ए डैश बी डैश ओवर यू ई डाल सकता हूं। देखो बच्चों टेन बीटा की वैल्यू दो तरीके से मैं ले सकता हूं। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, नाइन्थ से पढ़ के आया हूं। टेन बीटा सॉरी टेन बीटा इक्वल्स टू ए डैश सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर कैपिटल बी। ये तो आ गया ये रेड वाला जो बड़े वाला ट्रायंगल है इससे, ठीक है। अब मैं जरा दूसरा देखता हूं, दूसरा मैं इसी के सिमिलर ये छोटे वाला ट्रायंगल देखता हूं ग्रीन वाला। तो यहां से मेरे को मिल जाता है टेन बीटा इक्वल्स टू ए डैश बी डैश ओवर यूई, ये रहा यूई, दैट इज दिस डिस्टेंस इज यूई। तो डिस्टेंस टेन बीटा की वैल्यू जैसी मेरी जरूरत होगी मैं वैसे लगाऊंगा, ये रेड वाली भी लगा सकता हूं ग्रीन वाली भी लगा सकता हूं, इसमें कोई फर्क तो है नहीं। अब जरा टेन अल्फा की बात करते हैं। तो टेन अल्फा क्या है बच्चों, देखो टेन अल्फा तो एक ही बार में निकल के आएगा, क्या ऑब्जेक्ट सीन बाय आर आई डायरेक्टली। अब देखो यहां पे अल्फा बन रहा है, इसको तो मेजर करना मुश्किल है क्योंकि भैया इधर तो इन्फिनिटी था, क्या समझे, तो ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, ऑब्जेक्ट का साइज मुझे पता नहीं है तो अल्फा कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करता हूं यहां भी सिमिलरिटी यूज करता हूं डियर स्टूडेंट्स। यहां अगर मैं सिमिलरिटी यूज करता हूं तो देखिए ये ब्लू वाला एक ट्रायंगल मैं आपको बना के दे रहा हूं, दैट इज ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा के बराबर होगा बिकॉज ऑफ, समझ गए होंगे ठीक है। अब इस अल्फा की बात करूं तो ये हो गया मेरे पास क्या अगेन ए डैश बी डैश ओवर ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या है एफ ओ, इसमें तो कुछ सोचना विचारना है ही नहीं, दैट्स अ कांसेप्ट। तो डिस्टेंस टेन बीटा भी मेरे को पता लग गया, टेन अल्फा भी पता लग गया, मैं एक बार स्कोर इसको लेके कर लेता हूं, एक बार स्कोर इसको लेके कर लेता हूं, मेरे को डिफरेंट टर्म्स में मैग्निफाइंग पावर मिल जाएगी, वो मैं निकाल के दे देता हूं। तो देखिए की कॉन्सेप्ट अगर मेरे को पता लग जाए, फिलोसफी मुझे पता लग जाए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े आराम से फटाफट चीजें निकल के आती है। चलिए देखिए ये मैंने कॉन्सेप्ट डाला, ये कॉन्सेप्ट डाला, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टीशन कोऑर्डिनेट यहां पे सबकी फोकल लेंथ डाल दी, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो कोचिंग डालना, यूई मेरा नेगेटिव होगा, ये मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, एन इक्वल्स टू एफ ओवर यूई मेरे को मिल गया। अगेन अगर मैं आईपीएस के टर्म्स में बात करना चाहता हूं तो देखो ये दोबारा से मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं 1 प्लस एफ ओवर डी जो आईपीएस का कॉन्सेप्ट था उसको ले सकता हूं, और जो मेरे पास यहां कॉन्सेप्ट आया था उसको मैंने आगे प्लेस कर दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो m इक्वल्स टू माइनस का fo ओवर fe 1 प्लस fe ओवर d आ गया। बच्चों मैं समझता हूं ये सीधे सीधे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, दो मिनट की कैलकुलेशन है, कोई लंबा काम नहीं है। माइनस का साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारा कौन सा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, अभी हम ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ रहे थे बच्चों, वो उल्टी इमेज बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा तो मेरे डेरिवेशन में माइनस का साइन जरूर आएगा। चलिए अब जहां तक बात है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की, ये हम एस्ट्रोनॉमिकल सॉरी ये हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे थे साथ, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हमें सिर्फ इमेज को सीधा करना बाकी रह जाता है, बाकी तो यही सब चीजें होती हैं। तो मैंने अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। अब मैं बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट छोटे छोटे से दो और कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहता हूं, यहां रिफ्लेक्शन यूज करते हैं हम लोग, यहां पे लेंस यूज नहीं करेंगे सिर्फ मिरर यूज करेंगे, तो इसी के ऊपर फिगर के ऊपर ही मैं आपको चीजें समझा दूंगा। अब एक ही क्लास में इतना सारा कंटेंट सिर्फ इसलिए हो पाता है कि आपके यहाँ क्लास डिलीवर करने से पहले ये सारी इमेजेस हम पहले बनाते हैं, फिर सारे नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो हमें यहां आकर के लिखना नहीं होता, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना होता, वो सारा जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहां पे ये मैंने क्या ले लिया जी, कॉनकेव मिरर ले लिया, ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, लेंस नहीं है मिरर है। अब यहां से पैरेलल आने वाली जो रे है वो इस कॉनकेव मिरर की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करता हूं इस फोकस से पहले ही एक प्लेन मिरर यहां पर प्लेस करता हूं, तो ऑब्वियसली फाइनल बेस यहां पर मेरी नहीं बनेगी, बीच में मिरर आ गया, मिरर आ गया तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये यहां पर मेरे को क्या मिल जाता है, इमेज फॉर्मेशन मिल जाता। अब अगर मैं चाहूं तो आईपीस लगा सकता हूं, बाकी कॉलीमीटर लगा देता हूं, सिंपल सा एक ट्यूब लगा देता हूं और ट्यूब के अंदर से इस इमेज को देख लेता हूं। आईपीस लगाना न लगाना
या ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा है ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है आप इसे लगाएं। तो आपने यहां पे एक कॉनकेव मिरर यूज किया, दूसरा प्लेन मिरर यूज किया और फाइनल इमेज आपको मिल गई। इसमें बच्चों जहां तक बात है मैग्निफिकेशन की या मैग्निफाइंग पावर की, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे निकल के आ जाता है जो पावर होती है डी वही। अब है कैस्केडियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैस्केडियन टेलीस्कोप जो होता है उसमें हम लोग प्लेन मिरर की जगह पे कॉनवेक्स मिरर यूज करते हैं। अब कैसे काम करता है कैस्केडियन ये बात मैं समझाऊंगा बच्चों आपको। देखिए आपने यहां पे ये एक ट्यूब ले ली बच्चों, ये एक ट्यूब ले ली, इस ट्यूब में क्या लगा दिया, एक कॉनकेव मिरर लगा दिया, पैरेलल आने वाली रे फर्दर एक फोकस पे जाकर के मिलेंगी, लेकिन फोकस से पहले मैंने यहां कॉनवेक्स मिरर लगा दिया। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में क्या लगाया था, प्लेन मिरर लगाया था, यहां कॉनवेक्स लगा दिया। तो होगा क्या, ये कॉन्वेक्स भी कहीं ना कहीं मैग्निफाई करने का काम करेगा, यहां से ये रेज जाएंगी जाकर के एक पर्टिकुलर जगह पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। हम जो पहले वाला कॉनकेव मिरर था इसमें बीच में एक छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं, जहां से लाइट रे आगे गए चली जाती है। ये मेरा आईपीस कह लो, इसको कॉलीमीटर कह लो, लेंस लगा लो मत लगा लो, आपको इमेज फॉर्मेशन यहां पे एडजस्टमेंट से मिल जाता है। अब जहां तक बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग किसके बारे में, मैग्निफाइंग पावर के बारे में, तो नॉर्मल सा एफ ओवर एवी वन प्लस एफ ई ओवर डी से हम लोगों को मिल जाता है। और जहां तक मिरर का केस है तो मिरर के केस में तो कुछ खास पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, मिरर के केस में तो बच्चों हम लोगों को सीधे सीधे क्या मिलता है, ये मिल जाता है क्या m इक्वल टू f ओवर f e या r बाई 2 अपॉन f e। तो मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में यही ओवर करना चाहूंगा। न्यूमेरिकल आज इसमें हमने नहीं किया है, किसमें, स्पेशली टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में तो कर लिया था, कोई बात नहीं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे, बाकी आगे आप नोट्स देखेंगे तो आगे आपको नोट्स में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहें तो आज की क्लास के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वहां से ट्राई कर सकते हैं या मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। देखिए ये है, ये हम लोगों ने आगे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे, तो आप चाहें तो इनको अभी लगा करके क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही करें।